जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों अब वो समय आ गया है कि जब आपको एग्जाम देने जाना है और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आज जाइए और डाउनलोड करिए और अपने सेंटर को निर्धारित कर लीजिए। एक दिन पहले सेंटर को जांच लीजिए, परख लीजिए कि कहां सेंटर गया हुआ है, घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, वहां रुकने की व्यवस्था, सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। अब मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि अब जितना पढ़ा दिया बस रिवीजन का समय है। मैं आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको समझा देता हूं, उसे भी समझ लीजिए और एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिए और अपना एक पद सुनिश्चित करिए। देखिए ये पेपर हो रहा है ऑफलाइन, ऑफलाइन पेपर हो रहा है और आपको इस बार मिलेगा आपके हाथ में एक OMR सीट जो कि ऐसा ही होगा। इस OMR सीट को भरने का सही तरीका क्या है? कुछ बच्चे होंगे OMR सीट को लेकर के उलझ जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, ढेर सारा प्रश्न एक साथ करके गोला भरने लगेंगे और कैसे सही गोला भरा जाए और वो जा करके 10 से 15 मिनट अपना गोला भरने में ही बर्बाद कर देंगे। क्या है सही तरीके, क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि OMR सीट को भरने का सही तरीका क्या है, कैसे भरे कि कम समय लगे, कौन सा पेन का प्रयोग करें, काले पेन का प्रयोग करें कि नीले पेन का प्रयोग करें, ये सारी बातें मैं जो आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा वन बाय वन करके। देखिए OMR भरने का सही तरीका क्या है, तो OMR भरने का सबसे पहले बाबू आपको बता दूं सबसे सही तरीका कि आप जब भी OMR को भरिएगा तो अपना रोल नंबर, डेट, एग्जाम, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ये सब चीजें ध्यान से भरिएगा। अगर आपने इन सब चीज़ों में गलती कर दी तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। अगर आपने अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया तो एक साल से, दो साल से, चार साल से जो आप इतनी कड़ी मेहनत करते आ रहे थे ना, सब का सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पेपर ऑफलाइन है, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही सही अनुक्रमांक भरना है और गोला भी सही सलामत भरना है। जैसे कि आपका रोल नंबर है 10-10-93, तो 10-10-93 का मतलब है कि अगर आपने एक भरा इसमें, एक भरा तो नीचे आपको गोला भी एक को ही करना है। अगर आपने 6 लिखा है तो नीचे आपको गोला भी किस पे करना है, 6 पर ही करना है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे सेंटर कोड जो आप लिखेंगे, सेंटर कोड जैसे 1-2-3-4-5 जिस गोले को आप भरेंगे ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसी संख्या का गोला भरना है आपको। ध्यान दीजिएगा कि कैसे भरे कि कम समय लगे, कैसे भरे कि कम समय लगे, तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसका आंसर पता चल गया तो आप उस गोले को भर लीजिए। ये नहीं कि 150 क्वेश्चन का आंसर पहले टिक लगा लिया, अब 150 गोला भरने बैठ गए, 15 मिनट गोला ही भर रहे, तो ये एकदम से बैड मैनर है। तो आप एक एक क्वेश्चन करते जाइएगा और गोला भरते जाइएगा तो आपका समय क्या होगा, काफी ज्यादा बच जाएगा, गोला भरने में ज्यादा समय नहीं जाएगा। कौन से पेन का प्रयोग करें, तो बाबू एग्जामिनेशन हॉल में, यूपी पुलिस के एग्जाम में आप काले पेन का, नीले पेन दोनों का यूज कर सकते हैं। हाँ, OMR सीट को भरने के लिए एक काला पेन आता है जिसका निब जो होता है मोटा होता है, उस पेन का प्रयोग करिएगा, जल्दी जल्दी गोला भराएगा और उसी पेन से सारे मैक्सिमम बच्चे गोला भरते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि गोला कैसे भरे कि आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ही बड़ा कर दिया, अब इससे ज़्यादा बड़ा करूँगा तो फटने लगेगा चित्र। देखिए जैसे पहले विकल्प, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वन किया, आपने क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर सी सही है, तो एक के सामने से जो तीसरा नंबर सी दिख रहा है तो गोला आपको इसी को करना है और इसको पूरी तरह से गोला करना है। उसी तरह से आपको दूसरा नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, तीसरे का बी लग रहा है तो तीसरे के बी को ऐसे गोला करिएगा, पूरा गोला भरिएगा। समझ में आ रहा है ना, आधा अधूरा गोला मत भरिएगा। जैसे सातवें का सी है तो सातवें के सी को ऐसे गोला भरिएगा, पूरा गोला भरिएगा, और आठवें का ए है तो आठवें का एक गोला जब भरिएगा तो ऐसे ही गोला भरिएगा। उसी तरह से जब अनुक्रमांक भरिएगा तो जो संख्या भरिएगा उसके नीचे उसी संख्या का गोला भरिएगा। यही है OMR भरने का सबसे सटीक तरीका, और एक एक प्रश्न को करते जाओ और गोला भरते जाओ, समय कम लगेगा। ये एकदम सबसे परफेक्ट मेथड होता है जो आज तक हमने 10 सालों से सीखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।